तो सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल के न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्रेंच डोर कैसे बनता है। हम एक फ्रेंच डोर बना रहे हैं। फ्रेंच डोर वो होता है जो कि जो हम ये जो सेक्शन है पाइप की जगह पे जो पत्रे से बनाया हुआ सेक्शन रहता है, और इसमें सारे सिस्टम रहते हैं, मतलब जाली का और कांच का। और ये डोर बहुत ही हल्का होता है और फैंसी होता है और मजबूत होता है, तो उसी को बोलते हैं फ्रेंच डोर। आप देख सकते हैं कुछ इतना बड़ा है ये दो डोर है, दोनों हमने ज्वाइन किया है। और एक डोर में तीन पल्ले हैं, तो अभी इसको हम बनाएंगे, उसके बाद फिर इसको अच्छी तरह से फिनिशिंग करेंगे, फिर इसको पाउडर कोटिंग में डालेंगे, उसके बाद इसका इंस्टॉलेशन करेंगे। तो पूरा फुल वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो देख सकते हैं आप, टोटल 12 मतलब कि गाले हो गए हैं, 12 कांच लगेगा इसके माप का, कुछ देख सकते हैं इस तरह से है। और अभी बज रहे हैं लगभग 7:30, और अभी हम जा रहे हैं इसको रख के और बंद करके शॉप को जा रहे हैं। कल उस इसको वापस करेंगे, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो वीडियो में आप बने रहें। तो सो फ्रेंड्स, अभी फाइनली हमने ग्राइंडिंग और पॉलिश कर लिया है डोर को, और अभी इसमें हम हिंजेस लगाएंगे। और हिंजेस इसमें हम बॉल हिंजेस लगाएंगे, ये गोल वाला, ये बहुत ही अच्छा रहता है, इससे डोर इधर उधर नहीं होता और गिरता नहीं है, और बहुत ही बराबर चलता है, और ये निकलता भी है आसानी से। और दूसरा वाला उधर है, उसका फ्रेम इधर है। तो पहले इसको हम लगा लेते हैं, उसके बाद फिर आपको रेडी करके दिखाते हैं फिर। तो चलिए दिखाते हैं फिर आगे लगा के हम। तो सो फ्रेंड्स, अभी ये डोर हमारा फाइनली पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, मतलब पाउडर कोटिंग के पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम इसको इसमें हिंजेस लगा दिए और पॉलिश कर दिए। अभी हम इसको ये गाड़ी में डाल के और ले जा रहे हैं पेंटिंग के लिए। पाउडर कोटिंग इसमें पेंट होना है आइवरी कलर का, तो पाउडर कोटिंग में डालेंगे, तो वहाँ से शायद 2-3 दिन के बाद मिलेगा। उसके बाद इसमें हम कांच लगाएँगे, और उसके बाद देख सकते हैं ये दो डोर है, टोटल तीन पल्ले एक डोर में है, और दो एक और दो, ये दो पल्ला एक साथ है और ये एक सिंगल एक साथ है। तो इसमें हमने हिंजेस लगा दिया है, ये देखिए बॉल हिंजेस है, दो दो हिंजेस लगाया है दोनों में। और अभी हम इसको लेके चलते हैं पाउडर कोटिंग में डालेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से मिलने के बाद इसमें कांच इंस्टॉल करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये खुलता है, एक पल्ला वो पूरा इधर जाएगा और इस तरह से खुलेगा, और उसके बाद फिर इस तरह से खुलेगा, देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से खुलेगा। चलिए अभी हम इसको निकाल के और गाड़ी में डालते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे आगे, और फिर पाउडर कोटिंग होने के बाद फिर इसमें कांच लगा के फिर वापस पूरी डिटेल आपको समझाते हैं। तो सो फ्रेंड्स, ये अभी हमने डाल दिया है इसमें मटेरियल गाड़ी में, और अभी चलते हैं पाउडर कोटिंग के लिए। और वहाँ बहुत सारे दरवाजे रहते हैं ताकि मिक्स ना हो और अपने को भी समझने में आसानी हो। और ये सारा मटेरियल पड़ा हुआ है अभी इधर ही, और अभी काम का लोड थोड़ा ज़्यादा है। इसको ये डाल देंगे पाउडर कोटिंग में, तो हमको 2-4 दिन का समय मिल जाएगा, उसके बाद फिर तब तक इधर का काम होता रहेगा, फिर उसके बाद और काउंटर बनाना है स्टील का वापस से। तो चलिए अभी हम चलते हैं, हमको 1 घंटे लगेंगे पहुँचने वहाँ से आने में शायद। तो माप लेने भी जाना है हमको। चलिए फिर बने रहिए वीडियो में, और मिलते हैं हम आपको आगे। तो सो फ्रेंड्स, अभी हम पाउडर कोटिंग में डाल के और जा रहे हैं। अभी एक जगह हमको ऐसे चलते चलते माप लेना है, थोड़ा काम करना था तो उसका माप ले लेना है, उसके बाद फिर चलते हैं शॉप पे। तो हम आ चुके हैं भाई लोग पाउडर कोटिंग में, जहाँ पे हमने डोर रखा था, और यही हमारा डोर है शायद, देखते हैं शायद हमारा डोर यही रहेगा। हाँ, ये देखिए यहाँ पे हमने मार्किंग किया था, ये ए लिखा हुआ था और एक में आई लिखा हुआ था।
और ये थोड़ा सा स्प्रे मार दे रहे हैं वापस से, सही क्योंकि यही यहाँ कलर छुप का गया था स्प्रे है। थोड़ा सा, मतलब फीका दिख रहा था, तो भाई साहब पेंट मार दे रहे हैं वहाँ पे स्प्रे। और तो देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे डोर हैं, और ये दो भट्टी हैं जो कि गैस से चलती हैं, और यहाँ पर पाउडर कोटिंग हम करवाते हैं। और ये बहुत सारा डोर देख सकते हैं भाई, वेरी भाई कितना आप देर लगा वाइट देखो कलर के मेरे हैं। में तो पेंट में? देखिए ये भट्टी ओपन हो चुकी है अभी, इसमें जो मटेरियल पाउडर कोटिंग करके पकने के लिए डाला गया था 12 मिनट उसका हो गया सायरन था, बज गया है, मतलब जब भी पक जाएगा तो सायरन बजेगा। 45 मिनट। जय जय और श्री राम। अभी हम देख सकते हैं आप, ये बहुत हीट है, बहुत मतलब भाप निकल रही है दरवाज़ा खुलने के बाद। और अभी मालगाड़ी अंदर से बाहर निकालेंगे भाई साहब, देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से है, पूरा डोर बहुत सारा रखा हुआ है यहाँ पे। और काफ़ी अभी रात हो गया है इसलिए दुकान का शटर बंद कर दिए हैं। और ये है ट्रैक जो भट्टी के अंदर मालगाड़ी जाती है, मालगाड़ी हम वैसे ही बोल रहे हैं इसको, मालगाड़ी नहीं कहते, ट्रॉली बोलते हैं। और देख सकते हैं आप बड़ी ही इजी तरीके से बाहर निकाल रहे हैं, ये पक चुका है पाउडर कोटिंग होके भाई साहब निकाल रहे हैं। और ये पेंट बहुत ही मजबूत और बहुत ही टिकाऊ रहता है, निकलता नहीं है जल्दी, जंग भी नहीं लगता ये पेंट करवाने से, लेकिन हर जगह नहीं किया जा सकता, जो इनडोर रहता है वही करते हैं, आउटडोर भी करते हैं, लेकिन फैंसी चीज़ें। अभी आप सोचो कि हम तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं शॉप पे, और कल बहुत लेट हो गया था लाने में। आप देख सकते हैं ये पाउडर कोटिंग जो पेंट हो चुका है, और अभी इसको लाए हैं और इसका कांच भी लाए हैं। तो अभी इसको हम नीचे ले लेते हैं, उसके बाद फिर, और इसका कांच भी ला के रख दिए हैं इधर, और ये वन वे कांच है, तो इसके बारे में डिटेल हम आगे देंगे। और तो चलिए हम पहले इसको नीचे ले लेते हैं, फिर रेडी करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको सारी डिटेल। तो दोस्तों अभी हम कांच लगा रहे हैं ये डोर में, वो देखिए उसमें लगा दिए हमने, और कांच इधर रखा हुआ है। ये वन वे कांच है, वन वे का मतलब एक तरफ से अंदर से दिखता है और बाहर से अंदर का नहीं दिखेगा, अंदर से बाहर का दिखेगा, तो उसी बोलते हैं वन वे। इसको लगाने का जो तरीका है देखिए, यहाँ पे ऐसा, ये जो इतना डिप है 20 mm का, तो इसके सेंटर में यानी कि 10 mm पर हम होल मारेंगे, क्योंकि हमारा कांच 5 mm का है। अगर कांच और मोटा रहे तो होल और आगे ही होएगा। और उसके बाद यहाँ पे पूरे में हमको ये डबल टेप इसे बोलते हैं, दो दो इंच का टुकड़ा करके यहाँ 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 ऐसे, मतलब कांच चिटकने के लिए लगा देंगे। उसके बाद फिर ये पट्टी, ये लॉक पट्टी कुछ इस तरह से रहती है, इसमें पिन लगाना पड़ता है, ये है लॉक पिन, देखिए कुछ इस तरह से इस पिन को हमको इसमें लगाना रहता है। उसके बाद फिर हम कांच लगा के फिर इसको लगाएंगे। तो चलिए हम लगा लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं अच्छी तरह से। तो कांच हमने इस तरह से कुछ लगा डाल दिया, देखिए यहाँ पे ऐसा ऐसा टेप लगा दिए हैं छोटा छोटा, उसके बाद इस टेप से ऐसा पन्नी निकाल दिए, इसका डबल टेप है ये, तो दोनों तरफ चिटकता है। उसके बाद कांच रख दिए, देखिए यहाँ पे टेप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे इसके अंदर, तो कुछ इस तरह से है। अभी हम ये कांच भी डाल देंगे इसमें, तो चलिए हम डाल लेते हैं इसको फिर। और ये देखिए अभी हमने इसमें कांच लगा दिया है, और इसमें हमने ये देखिए दो पिन लगा दिया है, ये लॉक पिन है, आगे पीछे किधर भी होती है, तो ये जो होल है इसमें हमको डालना है, देखिए यहाँ पे ऐसा इसमें इधर लगाएंगे, और इधर वाली पिन थोड़ा सा इधर कर लेंगे ताकि होल के पास आ जाए ये, यहाँ पे। उसके बाद ऐसा करके इधर का भी बराबर, जब होल में आ जाए तो इसको हम प्रेस करेंगे ऐसा, इस देखिए ऐसा, ये हो गया हमारा कांच लॉक, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से हम चारों तरफ लगाते हैं, चारों तरफ लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों अभी फाइनली पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका, और इनका पूजा मतलब गृह प्रवेश कल है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा लेट तक कर रहे हैं, और हमारा काम भी बहुत ही ज़्यादा लोड है। देखिए हम खोल के दिखाते हैं, आप चौंकिए मत, और कमेंट में ज़रूर बताएं डोर कैसा लगा।
जब आप बताएंगे तो उससे हमारा हौसला बढ़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हम अच्छा। तो दोस्तों आप चौंक गए? नहीं, चलिए हम बताते हैं क्या हुआ। तो हमारा डोर जो है फाइनली पूरी तरह से इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ और अभी बज रहे हैं 8:30। और देखिए अभी हम पूरा ओपन कर रहे हैं गेट को। ये हमारा डोर नंबर 1 है और इसका दूसरा पार्ट सेकंड फ्लोर पे है, ये फर्स्ट फ्लोर है। और देखिए दूसरा पल्ला खोला गया और तीसरा पल्ला का ये टावर बोल्ट नीचे ले। टावर बोल्ट हमने बहुत ही न्यू मॉडल लगाया है इसमें और बहुत ही अमेजिंग है, ख़राब भी नहीं होता जल्दी। और ये देखिए पूरा 180 डिग्री में खुलता है डोर हमारा। और इसमें देखिए हमने बॉल हिंजेस जो लगाया था, कितना इजी आता है, मतलब कितना इजी ऑपरेट होता है। और देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे आज होना था, मतलब कल सुबह होना है पूजा, और बहुत ही अर्जेंट था, काम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमको थोड़ा लेट में करना पड़ा। फाइनली हो गया। अभी देखिए अभी हम बंद करके बाहर, हम बालकनी में इस वक्त खड़े हैं, तो बालकनी से हम आपको बाहर का साइड दिखाते हैं। तो चलिए अभी एक एक पल्ला बंद हो रहा है, बंद होने के बाद हम दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये दूसरा पल्ला और ये तीसरा पल्ला सिंगल डोर, ये ज़्यादा यूज होगा सिंगल डोर वाला। और ये देखिए बाहर से कुछ इस तरह से नज़ारा है और बहुत ही अमेजिंग गैप वगैरह सब कुछ भरा है। देख सकते हैं आप लोग बाहर एक हड्डी लवली लगाया है। तो देखिए अभी फाइनली वापस से हम चलते हैं अंदर, और अंदर चल के आपको दिखाते हैं हम। और ये देखिए नज़ारा अंदर, देखिए पूजा का पूरा तैयारी चल रहा है, सुबह पूजा है। और इसका हमने आवाज़ को बंद कर दिया क्योंकि नीचे बहुत ही शोर और बहुत ही गाना चल रहा था। तो जो कि देख सकते हैं आप अंदर से, ये हाल के अंदर से है, कुछ इस तरह से हो गया। ये हमारा पहला डोर इंस्टॉलेशन कंप्लीट। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। और ये हमारा दूसरा डोर है जो सेकंड फ्लोर पे था, जिसमें कि हम आपको दिखाने वाले हैं पूरा ओपनली, ओपन करके मतलब डोर को। देखिए दूसरा पल्ला हमने खोल दिया और ये अपने हाथों से तीसरे पल्ले को भी हमने खोला। और अभी हम बालकनी में चले जाते हैं और बालकनी से बंद करके हम आपको दिखाते हैं, और हम बाहर ही रह जाते हैं, बाहर मतलब थोड़ा देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं। देखिए और बहुत ही सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हमारा हो चुका है। और ये एक फ्लैट में है, बंगले में, मतलब बिल्डिंग टाइप की। तो देखिए कुछ इस तरह से दिखता है, सिंपली बहुत ही सिंपल, बहुत ही अमेजिंग डोर है। तो वीडियो में आप कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा और आपको। तो दोस्तों आपने देखा कि हम फ्रेंच डोर किस तरह से बनाते हैं, और अभी काफ़ी टाइम हो गया हम साइट पर से आए, और अभी लगभग 9:30 बज चुके हैं, और दोनों डोर का इंस्टॉलेशन पूरा हो गया जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही। और अभी चलते हैं, बंद करते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं घर को, और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में ये गेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर आप अपनी राय दें। अभी देख रहे हैं पूरा सारा सामान, तो चलिए हम फिर मिलते हैं हम आपको आगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट जरूर करें।